हे दोस्तों, थैंक मी लेटर फॉर गिविंग वाटर। 320 टका खाबी नेकी ब्रो? बिल 11,510। तो पानी उठा लिया, अभी चलते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। खोलो यार इसको, ये 10 भी ले लिया, इसको यहीं पे ऐसा लगा लेंगे बाहर ही। जान ब्रो भी पहुंच चुका है अभी, तो हम लोग जर्नी स्टार्ट करते। चप्पल लेना भूल गया था, नहीं तो मेरा सब कुछ रेडी था। 2 घंटा हो चुका है इधर रुके हुए इसके लिए। नहीं झूठ बोल। हेलमेट भी पहन लिया और अभी जाने के लिए तैयार। रिफ्यूल कर लिया हम लोगों ने और 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अराउंड 80 किलोमीटर है और रास्ता आगे थोड़ा खराब है अभी। ज्यादातर मतलब सही है रास्ता, लेकिन आगे जाके जब पहुंचने वाले होता है तब खराब है। पीछे ले लो। जान भाई का तबीयत इतना ठीक नहीं है तो थोड़ा क्या हुआ? 10 बुखार। उदालगुरी से हम चला के जाएंगे अभी, क्योंकि इनका तबीयत थोड़ा खराब है। तो दिमाग कुछ ही पहुंच ही गया। तुमने खाना नहीं खाया ना, यहीं पे कुछ खा लो। अभी हम लोग खाएंगे हाँ। और यहाँ पे नया फ्रेंड्स भी है, इनका फ्रेंड्स है, तो मिल लेते सबसे। माय नेम इज बोंजो, आई एम फ्रॉम शिवसागर। हे, माय नेम इज मानस, आई एम फ्रॉम शिवसागर। सुरेद फ्रॉम गुवाहाटी। हम तो भाभी ले चले। माय मीम, नमस्कार। पोर्क लेने के लिए आया था लेकिन यहाँ पे पोर्क खत्म हो चुका है। ये क्या है भाई, किमा है ठुके जी? प्यार डांग और बे 320 तक का खाबी नहीं की ब्रो। मैं टेंजिंग बोडोसा ट्री हाउस पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे आके टेंजिंग बोडोसा जी को भी मिल चुका हूँ यहाँ पे। तो हेलो सर। यस नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर। ओके सेम टू यू। तो आपको मिलके अच्छा लगा। थैंक यू। तो यहाँ पे आज थोड़ा बॉनफायर भी करेंगे और थोड़ा चिकन लेके आया वो भी रोस्ट करेंगे, आपका इजाजत हो तो। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर सकते। बाहर का नजारा कल दिखाएंगे, अभी फिलहाल के लिए ये जो ट्री हाउस है कल सुबह दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वो इंटीरियर दिखा देते हैं आप लोगों को। इंटीरियर देख के आप लोगों को कैसा लगता है वो कमेंट पे बता दीजिएगा। ये क्या है, बाथरूम है क्या? बाथरूम इधर है। हाँ ये बाथरूम है। और ये क्या है? एक्स्ट्रा रूम सेटिंग नहीं करते अभी। पहुंच चुके हैं ट्री हाउस पे। बहुत अच्छा, कैसा लगा जगह? बढ़िया ना। अभी तो रियल एक्सपीरियंस कल सुबह बता। कल सुबह क्योंकि हम यहाँ पे शाम को पहुंचे, सब अंधेरा हो चुका था। तो अभी मैं देखा वहाँ पे फोहा पोहू भी दौड़ रहा था। हाँ वो सब कल दिखाएंगे, ठीक है ना ब्रो? तो ये रहा रूम अंदर से। ओ तो ये भाई ने बुक किया ही है। नहीं, भाई मतलब हम सबका जो नहीं, हम लोग तो नीचे रहेंगे टेंट में जो जहाँ रहेगा। तो ऐसा कुछ रूम है और यहाँ पे ट्री हाउस के नीचे यहाँ पे रैबिट्स भी है। और ये तीसरा गाइस, तो कल रात को यहाँ पे बोन फायर किया था हम लोगों ने। ये रहा हम लोग का टेंट, ये था। Time to have organic tea. ये पिता है, पिता खाएगा अभी, अगर भूख लगेगा तो ये खाएगा। ऐसे में नहीं मिलता, ये स्पेशली फ्रॉम असम। पहाड़ के ऊपर जंगलों के बीच में ट्री हाउस ढूंढ के जा रहे हैं। कुछ है ऊपर?
तो ऊपर कुछ नहीं है तो रिटर्न हो रहे हैं। ऊपर उस साइड में है ट्री हाउस, तो वहीं पे नीचे से जाना है। कैमरे में इतना स्टीप नहीं दिख रहा है लेकिन आप जब उतरोगे तब महसूस होगा। ये पिछले बार जब आया था तो टोटली कवर था, ये देख सकते हो सब काट दिया गया है अभी। ये लोग चल रहे हैं अभी दूसरे पहाड़ पे जहाँ पे ट्री हाउस है। चलो प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते हैं मतलब कर चुके हैं हम ऑलरेडी। और मुझे हिचकी आ रहा है, पता नहीं क्यों होता रहता है। कल रात को भी हुआ था इसलिए कल रात में मैंने वीडियो बनाना छोड़ के सो गया था। ये क्या है? ये एलिफेंट शिट, हाथी का गू है, टट्टी। तो रात को मतलब कभी कभी हाथी आता है। मुझे तो लगता है आगे जाके कुछ नहीं है, डेड एंड जैसा लग रहा है मुझे रास्ता देख के। फाइनली पहुंच गया, वो उधर है, मुझे दिखाई नहीं दिया था तो मैं इस तरफ सीधा जा रहा था लेकिन उस तरफ है। ज्ञान ब्रो ने स्पॉट कर लिया। तो ये है कुछ ऐसा। हम लोग शायद अभी भूटान में हैं, कुछ आइडिया नहीं है लेकिन ये भूटान भी हो सकता है। तो हम भी चढ़ेंगे ऊपर। तो हम लोग आ चुके हैं ऊपर। कैसा लग रहा है एडवेंचर? मस्त मस्त। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, नीचे नहीं जाना है मुझे क्योंकि यहाँ पे हाथी आता है, तो ऊपर ही रहेंगे। तो उसके बाद हम लोग बैक टू ट्री हाउस और उसके बाद शाम तक भैरव कुंड टेंगो चार्ली। इन लोगों को देखिए पीछे, फोटो खींचने में बिजी। नीचे था, हम लोगों ने बोला कि हाथी आ सकता है तो ऊपर आ गया दर से। तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अभी, इट्स 11:15 राइट नाउ। तो हमें भैरव कुंड भी जाना है तो निकल के थोड़ा ब्रेकफास्ट करके। हम लोग नीचे आ चुके हैं अभी और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड आ चुके हैं मतलब पिकनिक के लिए। वो देख सकते हो उधर, वहाँ पे क्या ब्लॉग? तो यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हो आप। वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे बस है। तो यहाँ पे मैगी खाते हुए तो ब्रेकफास्ट हुए से, लेकिन अभी बज चुका है 12, खा लेते हैं। छोटे से रिजॉर्ट में आने के लिए धन्यवाद। दोस्त वर्ड द नेचर लवर, जो प्रकृति को चाहते हैं, प्रकृति चाहने वाले लोग आ सकते हैं हमारे फार्म में। इट्स अ वेरी रिमोट प्लेस इन द मिडल ऑफ द जंगल एंड यू कैन एंड वेरी क्लोज टू द भूटान माउंटेन। माउंटेन ट्रैकिंग एंड दोस नेचर लवर कैन विजिट इन माई प्लेस एंड इट्स लाइक अ पैराडाइज फुल ऑफ जंगल, फुल ऑफ नेचर, लॉट्स ऑफ बार। इन माई गार्डन एनिमल इज लाइक ए एलिफेंट, मंकी, लॉट्स ऑफ बार। Thank you very much. Love nature. Stay happy. So respect the nature. Nature will respect us. You get very sure. Are you ready to see Bharap Kunda, brother? Yeah man, we are ready. Let's go then. तो गाइस, जिन लोगों ने राइनो इको रिजॉर्ट और तेंजिंग बोडोसा ट्री हाउस विजिट नहीं किया उन लोगों को बता दूं, यहाँ पे 3 नदी क्रॉस करना पड़ता है तब पहुंचते हैं। तो यहाँ पे नदी बहुत सूखा है थोड़ा। Thank me later for giving water. तो हम लोग पहुंच चुके हैं गैथसिमेन पे, भैरव कुंड पे मतलब। और यहाँ पे इतना ज्यादा लाउड म्यूजिक चल रहा है कि इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो शाम में सीधा मिल पहुंच चुके हैं माइब्रा पे, काफी अंधेरा हो चुका है और अभी पानी लेने चलते हैं। और यहाँ पे एक ब्रो मिल गया है। ब्रो, इनका भी यूट्यूब चैनल है और नाम बता दो यूट्यूब चैनल का। डीप स्कूट डे, आप लोग देखिए। तो ये भाई मतलब खतरनाक चीज कर रहा है अभी, राइड कर रहा है अभी साइकिल से, मसलपुर से आया अभी। और ये देख सकते हो यहाँ पे मेला लगा हुआ है भैरव कुंड पे। दुकान ये तो दुकान पानी दुकान कोट कोट इस तरह भाई
इस तरफ चलो। तो पानी मतलब नदी का जैसा ही है। तो ये देख सकते हो वो जो पाइप है वहां से पानी निकल रहा है, तो वहां से पानी कलेक्ट करना है हम लोगों को। तो काफी ठंडा है पानी और एक ड्राम भर लिया हम लोगों ने वहां पे, तो ये यही पे यहाँ पे भी भर लेते हैं अभी। तो पानी कुछ यहाँ से निकल रहा है, पानी धो लेते हैं थोड़ा। पानी उठा लिया, अभी चलते हैं। तो यही पे खाना खाएंगे, पता नहीं लाइट कैसे आ रहा है अभी, थोड़ा अंधेरा हो गया शायद। तो उधर बॉनफायर चल रहा है अभी भी फिलहाल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग उठ चुके हैं अभी। अभी शायद मैं जगह इतना नहीं दिखाऊंगा यहाँ के बारे में, मतलब 13 को भी आने वाला हूँ तो 13 को दिखा दूंगा अच्छा से। एक के बैठा का हीरो के पूरा जामा उस रोड। हे दोस्तों।